हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द व्लॉग। और सुबह सुबह उठने में बड़ी मौत आई होगी, क्योंकि आप अगर मेरे आसपास के एरिया से रह रहे हैं तो इतना सही मौसम हो रहा है। और ये वीकेंड अपना है, मतलब ये वीकेंड पे अपन सब है बाहर, तो अपन करेंगे फुली इंजॉय और फुली मज़ा, धमाल पट्टी की मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। क्योंकि इस वीकेंड बहुत सारी सरप्राइज सब कुछ आने वाला है इस वीकेंड के, इसलिए वीकेंड डेज जो आएंगे उसमें, और समझ सकते हो सही हो रहा है। द व्यू फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम माई रूम लुक लाइक दैट। ये एरिया देखो, कल रात से हो रहा है, सकते हो ना आपकी इतनी खूबसूरत लग रही है ना, कि जब ये हमारे गांव में ऐसा होता है ना कि अभी सभी पशुओं के लिए और उन सब के लिए लगती है वो घास फूस जिसको खा के वो पूरा साल निकालते, पर अभी अगर ये मौसम ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं क्या ही होगा। और कल मैंने मेरे रूम का टेम्परेचर देखा था लास्ट 3 बजे का, जो कि था 2 डिग्री, दो डिग्री। इसलिए भाई साहब मेरे रूम के साबुन जम रहे हैं, शैम्पू जम रहा है, इस कंडीशन में रूम हो गया था क्योंकि बारिश चल रही थी बिल्कुल। इसलिए मौसम इतना चिल्ड हो गया था ना कि आपको क्या ही बताऊँ। और दिन की शुरुआत हो गई, नहा धो के हो गया हूँ मैं रेडी, और आज थोड़ा जल्दी हूँ क्योंकि आज हाईकोर्ट से ऑर्डर है। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सारे कोर्ट घर पे ही हैं, तो समझ सकते हो। तो उस चक्कर में जल्दी से नहा के हो गया और रेडी, और अब चल रहा हूँ मंदिर। और बारिश हो रही है तो अब देखते हैं कौन सा व्हीकल ले जाना है, क्योंकि कार तो पापा ले गए हैं, मतलब फोर व्हीलर ले भी जाएंगे तो अपनी है ही एक, जो कि अपनी है तो उसको ले जाते हैं। और देखते शायद वो ले जा रहा हूँ या बाइक ले जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने उसी हिसाब से कपड़े पहने हैं। और इसके बाद बहुत सारे प्लानिंग है दिन की, तो ब्लॉग पूरा देखना, मज़ा आ जाएगा। डिसीजन बिल्कुल सही था कार ले जाने का, क्योंकि समझ सकते हैं ना आपकी कार ले जाना ही सही था, और हम फंस गए हैं। फिर फाइनली गाइस, अब मैं निकल गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन के लिए, और बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। और ये गाड़ी को तो पहचान ही गए होंगे आप, ये चेहरे भी देख ही रहे होंगे आपको। अभी इंजॉय कर रहे हैं मानसून को, क्योंकि ये मौसम ने अभी तक ऑलमोस्ट दिमाग और प्लान दोनों 50-50% ख़राब कर दिया है। पर अब देखते हैं क्या होता है आगे का सीन, और वहाँ जाके ही पता पड़ेगा। तो आप इतनी देर ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, कैसा मौसम है, वो सब देखिए और इंजॉय कीजिए आप भी। और हम थोड़ी बहुत जो प्लानिंग है वो करते हैं, फिर बताते हैं आपको कुछ नए चेहरे। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're right. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look go away. Storm is coming. So you best start running. No, you can't control it. In my bones, I'm coming for the coming for the. My enemy, you should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake.
place for running. No, you can't control. Feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the home. Guys, break for tea और सही हो रहा है. अब अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश बंद हो गई है और ऐसा ही रहना चाहिए ऐसा भी लग रहा है. और आशा करते हैं मौसम हमको धोखा नहीं देगा. इस मौसम में चाय पीने का तो अलग ही मजा है. विनोद जी, आपका क्या कहना है, चाय कैसी लग रही है? जोरदार भाई. व्यू के साथ ये है आज का चाय. एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी. फाइनली गाइज, मैं पहुंच गया हूँ अपने शहर उदयपुर में. और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि लोग मुझे गाड़ी में बैठा के बंद करके चले गए और मुझे इनका कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा. अभी तक इन्होंने इतना सस्पेंस रख रखा और अभी एक और नया चेहरा भी आ चुका है जो सरप्राइज था मेरे लिए, बहुत ही इसलिए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ जो कि आ चुकी है और जिसके लिए मैंने भी बहुत सारे सरप्राइज क्रिएट कर रखे जो अगले वीडियो में आएंगे. तो वो वीडियो भी देखना मत भूलना और ये वीडियो भी देखना मत भूलना. वीडियो अभी तक कैसा लग रहा है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना. और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब हाँ, मेरा जो बर्थ डेट है 19 नवंबर, जो आप सबके प्यार, मैंने जो आप सबका प्यार देखा इंस्टाग्राम पे, कुछ जिनके पास मेरा नंबर पड़ा हुआ उन सब ने मुझे कॉल किया, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू. मैं अगर बाई चांस इन द सेंस कहीं पर भी अगर उनको अपना थैंक यू इन द रिटर्न नहीं दे पाता हूँ तो ये मत समझना कि मैं कुछ भी ऐसा मेरे में एटीट्यूड ईगो ऐसा कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि आप सबका प्यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एज अ यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएटर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एज अ पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और अभी मुझे गाड़ी में बंद कर दिया गया है तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या प्लानिंग चल रही है. मैं सोच इसलिए लास्ट आधे घंटे से मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और अब तो मैंने सीट भी चेंज कर दी. अभी मैं क्या थोड़ा सा प्रैंक कर रहा हूँ इनके साथ, समझ रहे हो कि मैं उससे गुस्सा हूँ हमेशा की तरह और मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ कि मैं अब आगे नहीं बैठूँगा, पीछे नहीं बैठूँगा, आगे बैठूँगा और मुझे उससे कोई बात भी नहीं करनी है. तो व्लॉग में इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग. अब जो सीन होंगे ना सारा इंटरेस्टिंग. और बर्थडे का जो सेलिब्रेशन है वो सब कुछ अगले व्लॉग में आएगा. उसके लिए बी एक्टिव, बी अवेयर. और किस लोकेशन जा रहा हूँ वो लोकेशन तो अभी वैसे ही शाम होगी तो बहुत ही खूबसूरत है. अभी का तो फुटेज भी होगा उस अगले वीडियो में और बात का भी फुटेज होगा. आशा करता हूँ आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव. अब वेट कर रहा हूँ क्या आ रहा है मेरे लिए, अब मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है यार, मैं वेट कर रहा हूँ. तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में. अभी कहाँ गए यार, मिलता हूँ. नहीं बैठूंगा मैं पीछे, नहीं बैठूंगा, नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे. मास्क भी पहन लिया मैंने, अब नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा, नहीं नहीं बोल रहा, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ. वाह, तो अब समझ रहे हो, अब थोड़ा पर्सनल टाइम है, बात नहीं मिलते हैं. अब मैं मान गया हूँ, मनाली मैं कुछ करने वाला था पर हमेशा की तरह अपनी चली नहीं और ना ही चलेगी ऐसा लग रहा है. समस्या गंभीर है. ऐसा नहीं है तो कैसा है, कैसन बा, ये शहर होता हूँ ना यार, ऐसे मत करो. बारो मैं पीछे जाके मिलता हूँ.